लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आए हैं, जिन्होंने अपनी खुशियों को दरकिनार कर मुश्किल की इस घड़ी में न सिर्फ दूसरों का सहारा बन गए हैं बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करके और उन्हें खुशी देकर खुद भी उनकी खुशी में शामिल हो गए हैं। मंसूर पार्क के पास स्थित गुलाबबाड़ी में रहने वाली आयशा का 26 मार्च को निकाह था, लेकिन लॉकडाउन के चलते जब दोनों परिवारों ने निकाह की तारीख आगे बढ़ा दी तब लॉकडाउन के चलते नौकरी करने वाली उसकी बहन और तमाम लोगों के घर बैठने और खाने पीने की दिक्कत आयशा से देखी नहीं गई और उसने अपने निकाह के लिए इकट्ठे रुपए परिवार की इजाज़त लेकर लोगों के भोजन पानी और अन्य जरूरी वस्तुओं पर खर्च करने शुरू कर दिए, जो वास्तव में परेशान थे। आयशा कहती हैं कि निकाह तो बाद में भी हो सकती हैं, लेकिन इस समय लोगों की मदद सबसे बड़ी सेवा है। मेरी शादी ये लॉकडाउन की वजह से आगे पोस्टपोन हो गई है। शादी किस डेट को थी? मेरी शादी 26 मार्च को थी, तो इस वजह से जो है लॉकडाउन लगा और मेरी डेट आगे बढ़ गई। क्योंकि और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि अब यहाँ लॉकडाउन के लगने की वजह से बहुत से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद बहुत से लोग थे और मेरी बहन उसमें जो है वर्क कर रही थी, तो पैसे की थोड़ी सी कमी हो रही थी। तो मैंने अपने अम्मी अब्बू से पूछ करके जो मेरे शादी के इंतजाम हुए थे तो वह मैंने अपने सिस्टर को दे दिया कि भाई अभी तो मेन चीज़ यही है कि पहले ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी की जाए, बाकी तो शादी तो मेरी बाद में हो जाए, फिर उसके तो इंतजाम अल्लाह पाक खुद ही कर देंगे। लॉकडाउन के दौरान गरीबों, मजदूरों और जरूरतमंदों की सेवा में लगी आयशा अकेली नहीं है। शहर के पुराने मोहल्ले में रहने वाली जैना परवीन ने स्कॉलरशिप पाने पर कई वस्तुएं खरीदने की सोची थी। इस बीच लॉकडाउन के चलते लोगों को अपनी ओर से मदद पहुंचा रहे जैना की भाइयों की लगन देख जैना ने अपनी स्कॉलरशिप अपने भाइयों को सौंप कर उससे गरीबों तक जरूरत का सामान पहुँचाने की गुजारिश की। जैना कहती है कि मानव सेवा जरूरी है, लोगों की मदद करके जो खुशी मिलती है उसकी बात ही कुछ और है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारे भाई लोग गरीबों की मतलब मदद कर रहे हैं, मुसलसल रोज़ डेली जो है जाते हैं, राशन घर घर पहुंचाते हैं सबकी। तो मतलब गरीब इतने ज़्यादा परेशान हैं तो इसलिए उनकी परेशानी ज़्यादा पहले आती है, इसलिए जो हमारी स्कूल की स्कॉलरशिप आई थी वो हमने दान कर दी, अपने भाई लोग को दे दी कि उसका भी राशन खरीद के मतलब बांट दिया जाए।